बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं नोटराम लोरोली, आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो सबसे बड़ा सवाल आज का यह है कि कांग्रेस की मार पर चुप क्यों रहते हैं दलित। जब बीजेपी के शासनकाल के अंदर दलितों के ऊपर कई उत्पीड़न होता है तो दलित चिंतक भी, दलित सामाजिक विचारक भी, दलित नेता भी और कॉपी पेस्ट यूनिवर्सिटी के नेता भी फटाफट आ जाते हैं और आपको बता दें कि ज्ञान थोपना शुरू कर देते, बीजेपी मनुवादी पार्टी, फलाना ढिमका, इस तरीके से। अच्छी बात है आप उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जब यही अत्याचार कांग्रेस के शासन के अंदर अगर कहीं दलितों पर होता है तो आप लोग चुप क्यों हो जाते हैं? क्या वहां पर वो दलित नहीं है? राजस्थान के अंदर आज दलितों की जो स्थिति है, दलितों के लॉकडाउन काल के अंदर जिस तरीके से अपराध बढ़े, अत्याचार बढ़े, वो किसी से छुपे नहीं है। चोरी के शक के आधार पर यहां पर बुरी तरीके से बेरहमी से बंधक बनाकर छोरे लड़कों को पीटा जाता है, यहां पर पेचकस घुसा दिया जाता है शरीर के अंदर, गुप्तांगों के अंदर, लेकिन उसके बावजूद कोई बोलने वाला लफ्ज नहीं है। एक लड़की को सरेआम यहां पर पकड़कर गैंग रेप किया जाता है उसके पति के सामने। अलवर का कांड आप लोगों को आज भी याद होगा, आंखों के अंदर जैन में ऊपर आता है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। क्यों उस समय हम कहां पर चुप हो जाता है, यह समझने की जरूरत है। आज मैं आपको बताने की कोशिश करूं, चाहे सरकार बीजेपी की हो, चाहे सरकार कांग्रेस पार्टी की हो, दलितों पर अत्याचार करने के मामले में दोनों ही पार्टियां बराबर की हकदार है। दोनों ही पार्टियों के शासनकाल में हमेशा से दलितों पर अत्याचार की संख्याएं बढ़ी है। राजस्थान की अगर मैं अब आपको बताने की कोशिश करूं तो अब राजस्थान सरकार ने उस दिन के बाद आंकड़े भी दिखाना बंद कर दिए जिस दिन अंबेडकर पीपल्स वॉइस आप लोगों के सामने पहले आंकड़े रहते थे। जून तक की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी से लेकर जून जुलाई तक की अगर हम बात करें तो इतने अपराध हुए कि पिछले साल पूरे साल में जितने अपराध हुए थे उतने तो 4-5 महीनों के अंदर ही राजस्थान की सरकार में हो गए, जबकि पूरा 6 महीने बाकी अभी 2020 के और रह गए। इतने अत्याचारों के बावजूद भी हम लोग राजस्थान सरकार या कांग्रेस की सरकार के खिलाफ बोल नहीं पाते, क्यों लफ्ज नहीं खोल पाते? प्रियंका गांधी हमें पसंद है क्योंकि वो एक चुनाव आज तक ना तो जीत पाई है और ना ही किसी को जिता पाई है। राहुल गांधी हमें पसंद है क्योंकि उनके बाप दादाओं की रहमोक्रम से वो सीट जीत पाए या उनकी नहीं जीता पाए, आज तक वो खुद अपने दम पर नहीं जीत पाए, लेकिन उसके बावजूद हमारे इतर खुद की राजनीति कहां है हमारी पॉलिटिक्स में? आज राजस्थान की सरकार कांग्रेस के अंदर, वहां पर कैबिनेट के अंदर हमारे लोगों की क्या भूमिका है? कितने दलित लोगों को उन्होंने महत्वपूर्ण विभाग दे रखे हैं, कितने दलित लोगों को? खुद कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमें 8-8 बार हम एमएलए रहे, लेकिन हमें एक बार 8-8 बार जो विधायक बन चुका उसको भी कैबिनेट का मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि उन लोगों को कैबिनेट के मंत्री बना दिए गए जो एक एक बार के विधायक जीते हुए। अगर क्यों दलितों की उपेक्षा की जाती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं बोलता क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बहुत सारा अत्याचार आपके सामने दिख रहा है तो इसके बावजूद आप चुप क्यों रहते हैं? कहां से लिखा है? बाबा साहब अंबेडकर खुद कहते हैं कि कांग्रेस एक धीमा जहर है, आप उसको खत्म कीजिए, यह आपके काम का नहीं है। अब आपको बताने की कोशिश करें तो दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि वो अपनी सरकार लेकर आए, अपनी सत्ता हुक्मरान बनाए, अपनी ताकत के दम पर आए, किसी के और के बहकावे में ना आए। आपको वोट देना है या सपोर्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को कीजिए, चाहे आप किसी भी नेता को चुन लीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इस पर स्पेशली कीजिए, लेकिन जो मजबूत हो उसके साथ खड़े हो जाइए आप, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। यही आप लोगों के लिए भलाई होगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। राजस्थान आज हो या मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, तमाम जगहों पर अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, लेकिन अत्याचार कहीं भी कम नहीं है। पंजाब के अंदर दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं लगातार, कोई रोकने वाला नहीं है, वहां पर किसी को दिखाई नहीं देते। मिलेंगे इस वीडियो में अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना।